तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा कि बिहार पुलिस का आप लोग को जो 11,880 पदों के लिए एग्जाम ली गई थी, एक एग्जाम आप लोग को 12 जनवरी को और दूसरा 8 मार्च को लिया गया था, उसका रिजल्ट डेट यहाँ पर आप लोग को घोषित कर दिया गया है। तो इसमें आप वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस है आप लोग को गुजरना पड़ेगा, साथ ही साथ कितना गुना आप लोग को रिजल्ट आएगा, कब आप लोग को रिजल्ट दिया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो लाल रंग में सब्सक्राइब दिख रहा तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के बिहार पुलिस से हर छोटी बड़ी न्यूज आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि सिपाही बहाली का परिणाम मई तक, यानी मई तक आप लोग यहाँ पर रिजल्ट घोषित करने का यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट दिया गया है। आखिर मई का फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में मई का कितना तारीख है यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट घोषित किया जाएगा, वीडियो में हम तक बने रहे, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि देख सकते हैं कि 11,880 पदों को हुई दो चरणों में लिखित परीक्षा, अब शारीरिक दक्षता की तैयारी। यहाँ पर जो जिनका जिनका यहाँ पर एग्जाम हो गया है शारीरिक दक्षता में तैयारी में जुट गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि और इसमें आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि शारीरिक परीक्षा 5 गुना से अधिक होगा चयन, यानी परीक्षा में शारीरिक परीक्षा में यहाँ 5 गुना अधिक चयन होगा, यानी जो आपको जो लिखित परीक्षा लिया गया है उसका डेट आप लोग को रिजल्ट जो घोषित किया जाएगा उसमें 5 गुना आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो किस प्रोसेस से यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस करना होगा रिजल्ट के बाद, रैम तक बने रहे, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि बिहार पुलिस सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम मई तक आ सकता है, यहाँ तक मई तक बोला जा रहा है कि मई तक आ सकता है। अभ्यर्थी की बड़े तादाद पर चल रहे कॉपियों की जांच 2 से 2.5 महीने लग सकता है, इससे देखते हुए संभावना है कि मई के आखिरी तक यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके लिए बाद में शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को कई स्पर्धाओं से में भाग लेना होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर मई में आप लोग को परिणाम घोषित किया जाएगा, मई के लास्ट वीक तक यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित करने के बाद यहाँ पर आप लोग को शारीरिक दक्षता, यानी आप लोग को दौड़ होगा, उसमें आप लोग को हाई जंप और यहाँ पर गोला वाला जो प्रोसेस, गोला फेंकने का जो प्रोसेस होगा, उस तरह से प्रोसेस यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप लोग को जो यहाँ पर लिखित परीक्षा का आप लोग को रिजल्ट घोषित करने के बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता में आप लोग को जो भी यहाँ पर स्टूडेंट पास होते हैं वैसे को यहाँ पर शारीरिक दक्षता में प्रवेश दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को एक मन में और सवाल चल रहा होगा कि आप लोग को आखिर जो आप लोग को 12 मार्च और 8 और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कॉपियों की जांच एक साथ, यानी जो 2 पालियों में आप लोग को यहाँ पर कॉपियों ली गई थी, एक आप लोग को डेट लिया गया था 12 जनवरी को वही, और दूसरा आप लोग को जो डेट लिया गया था एग्जाम वो 8 मार्च को लिया गया था। तो दोनों को यहाँ पर आप लोग को बोला जा रहा है कि जो जाँच की प्रक्रिया है प्रोसेस के बारे में इसमें बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सिपाही बहाली की 2 चरणों में लिखित परीक्षा हुई, पहले चरण 12 जनवरी के और 2 पालियों में परीक्षा की आयोजित की गई थी, वही दूसरे चरण में 2 पालियों में 8 मार्च की परीक्षा हुई थी। जानकारी के मुताबिक 11 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। चयन पर्षद के मुताबिक भले ही एक दूसरे चरण की परीक्षा बीच में लंबा अंतराल रह गया होगा, लेकिन कॉपियों की जांच एक साथ होगी, इनमें 2.5 से 2 महीना लग सकता है, वक्त लग सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया आप लोग की जो 12 जनवरी और 8 मार्च को जो आप लोग को यहाँ पर एग्जाम लिया गया था उसका आप लोग को जो कॉपियों का मूल्यांकन एक साथ किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोल दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि शारीरिक परीक्षा में 5 गुना से अधिक चयन होगा, यानी 5 गुना आप लोग को जो रिजल्ट आप लोग को लिखित परीक्षा में दिया जाएगा वो 5 गुना अधिक दिया जाएगा, तब आप लोग को यहाँ पर शारीरिक दक्षता में चयन होगा। तो यहाँ पर आप लोग 11,880 पदों में यहाँ पर आप लोग को 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे शारीरिक दक्षता में आप यहाँ पर स्टूडेंट प्रवेश करेंगे। वही आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि शारीरिक दक्षता किस प्रकार की प्रक्रिया उसमें होगा। तो बोला जा रहा है कि सिपाही में 11,880 बहाली की प्रक्रिया चल रही, इसके लिए तहत लिखित परीक्षा हुई है, इसके आधार पर शारीरिक परीक्षा के पद के मुकाबले 5 गुना अधिक अभ्यर्थी को चयन होगा। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक दक्षता के तहत अभ्यर्थियों को दौड़, उच्च कूद और गोला फेंकना में भाग लेना होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह क्लियर कर दिया गया है कि रिजल्ट के बाद आप लोग को जो गोला फेंकना होता है दौड़, और उस आधार पर आप लोग को मेघा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो आप लोग को लगाएगा, यहाँ पर आप लोग को दौड़ और ऊंची कूद और गोला फेंकने के तहत पर आप लोग को जितना मार्क्स का आप लोग को यहाँ पर नंबर उठाएगा उसी आधार पर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सूची बनाया जाएगा, यानी आप लोग को वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट लगेगा वो आप लोग को दौड़ और कूद और गोला फेंकने के तहत में आप लोग को जितना मार्क्स आएगा उस आधार पर यहाँ पर आप लोग को लिया जाएगा, मेघा सूची आप लोग को मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ना कि आप लोग को यहाँ पर लिखित परीक्षा जो लिया गया है
इसमें सिर्फ आप लोग को यहाँ पर सफल यानी आप लोग को शारीरिक दक्षता में पास होने के लिए यहाँ पर आप लोग को सिर्फ यहाँ पर एग्जाम लिया गया था। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर 5 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है आप लोग को इस बार, ताकि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पर सफल होंगे और शारीरिक दक्षता के अनुसार मेघा सूची में अगर उन स्टूडेंट को नाम आता है तो वो बिहार पुलिस का सफल प्रशिक्षार्थी यहाँ पर माने जाएंगे। तो इस तरह से छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोग के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जो होगा कट ऑफ के अनुसार से ओबीसी एससी जनरल एससी एसटी को इतना कितना नंबर रहने पर यहाँ पर आप लोग को जो है कट ऑफ आप लोग को जारी किया जाएगा। तो वो वीडियो भी मैं आप लोग को बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।